अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज़ मी नेहा राजपूत। यार आज हम जा रहे हैं इम्तियाज़ मॉल, फैसलाबाद के इम्तियाज़ मॉल, जहाँ एक ही कमरे में पूरे घर की ग्रोसरी हर चीज़ आपको मिलेगी। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले पहुँचते हैं, तो लेट्स गो गाइज। ये जो जहाँ इम्तियाज़ मेगा लिखा हुआ है ना, इसके अंदर पूरी ग्रोसरी, खाने पीने की हर चीज़ एक छोटे से ही मतलब के फ्लोर के अंदर। मैं खुद देख के बहुत हैरान। सबसे पहले उन्होंने अंदर हमें सख्ती से कहा कि हमने कैमरे बंद कर दें। बाकी हर चीज़ मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती रहूँगी। मेन चीज़ जो थी वो ये थी कि जो अंदर चीज़ें हमें मिली थी, जो हमने बर्गर शवारमे वगैरह खाए थे, पिज़्ज़ा खाया था, वो कभी भी ना लें, क्योंकि वो पहले से बनी हुई होती हैं और जब आप खाते हो तो ऐसा टेस्ट होता है कि आपको वॉमिट आती है। इसलिए मैं ये प्रेफर करती हूँ कि आप बाहर से चीज़ें लें। हमने कॉफ़ी भी बाहर से ली थी, एक्चुअली वो कॉफ़ी 280 की थी और जो हमने कॉर्न खाई थी वो 120 की थी, मतलब कि वो तो साथ जनरली हमें दोबारा बना कर देते हैं। तो बाकी अब आपको दिखाते हैं मॉल है क्या, जो कि इम्तियाज़ मॉल के एक ही कमरे के अंदर पूरी ग्रोसरी उन्होंने रखी हुई है। अजीब ही बात है, और इतना बड़ा वैसे है, काफ़ी बड़ा, लेकिन इधर गाड़ियों के लिए जगह बनाई हुई है और तो मुझे लगता नहीं किसी चीज़ के लिए जगह बनी हुई है। जी जी जी, वो खानी खिलानी है आपने। इधर आए हसन, इधर आए हम। चलो चलो आओ हसन भाई, प्लीज हसन भाई हमें खिला रहे हैं। कितने की कौन है? एक्चुअली गाड़ी में पेट्रोल के पैसे लग गए। नहीं नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आप आ गए हैं। ये तो यार एक्चुअली ये बच्चा बहुत ज्यादा बोलता है, इसका नाम उबैद है और ये नॉन स्टॉप बोलता है। बाकी यहाँ पे ऊपर खड़े, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि ये मुझे तो लगता है ये मॉल बना ही गाड़ियों में खड़े होने के लिए। यहाँ पे सिर्फ गाड़ियाँ ही खड़ी हुई थी और हम कह रहे थे भाई वो हमारी गाड़ी खड़ी हो रही है, जो मेरी गाड़ी थी वो यहाँ पे खड़ी नहीं हुई थी, ठीक है। तो बट ये है, यहाँ पे सिर्फ गाड़ियों के लिए जगह बनाई गई है। ये नहीं है कि मॉल नीचे बना दिए कमरे के अंदर और गाड़ियों के लिए पूरी स्पेस बनाती हुई। अजीब इन्होंने मॉल बनाया, और इम्तियाज़ मॉल ये फैसलाबाद का मॉल है। बाकी आए आपको मैं फर्नीचर भी दिखाऊंगी, जो इस इम्तियाज़ मॉल के अंदर फर्नीचर ज्वेलर्स जो बैठे हुए हैं हर चीज़ में आपको दिखाऊंगी। तो आए चलते हैं, सबसे पहले फिर मैं शॉप्स दिखा रही हूँ, क्योंकि हमें तो उन्होंने सख्ती से कहा था कि आप लोगों ने मोबाइल यूज़ नहीं करना, इसलिए मैंने नीचे ग्रोसरी भी आपको नहीं दिखाई, वरना मैं आपको दिखाती हूँ। 3-3 लाख की एलईडी स्ट्रेटनर, जो आपको बाहर से 5,000 की एक अच्छी वाली ब्रांडेड मिल सकती है, वो यहाँ से आपको मिलेगी 20,000 की। और हम ये सुन के हैरान थे, भाई हो क्या गया है मॉल में, आके क्या चीज़ है, जो लोग 50,000 में पूरी शॉपिंग करते हैं वो यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ बाय कर सकते हैं। और ये जो सूट आप लोग जस्ट सादे 2 पीस दिख रहे हैं, इनकी प्राइस ऐसे थी कि बंदा हाथ लगाने को दिल नहीं कर रहा था। मेरा तो ड्रेसेस के बारे में कहना ये था कि ये जो ड्रेसेस इतने बुतों में खड़े हुए हैं, ये उधर ही अच्छे लग रहे हैं, ये मैं नहीं पहन सकती भाई। वही सूट असं बाहरों खरीदने थे भाई, उसकी कीमत ही नहीं घट दी, तो इतने आ खरीदने वही कीमत 50,000, 1,00,000 रुपया, 2,00,000 रुपया, पता नहीं की आवाम है, की मॉल च आ गए, ब्रांडेड बनना है भाई, गुची पहनना है, जो करना है पहनो। क्योंकि अशमल का रिसेंटली आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा, अशमल का निकाह हुआ है, तो अशमल का निकाह था तो हमने कहा कि हम फर्नीचर जो है यहीं से उठाएंगे, ठीक है ना। तो फर्नीचर हमने कहा था इधर से उठाएंगे, तो मैं फर्नीचर भी आपको दिखाऊंगी। फर्नीचर गत्ते का बना हुआ है और उसके प्राइस जब आप देखेंगे 35 लाख, सिर्फ बेड और साथ में जो उसके 2 पीस होते हैं ना बेड के, लेफ्ट और राइट साइड पर, वो उसके अंदर इंक्लूड थे और इसके अलावा कुछ भी नहीं था, और 35 लाख का था पूरा फर्नीचर। और हमने कहा कि अशमल कहते अगर वही हम चुनौती फर्नीचर लें तो शायद इतनी कीमत भी ना, हालांकि चुनौती फर्नीचर की एक मांग है। बाकी बच्चे खेल रहे थे, मैंने कहा ना कि सिर्फ स्पेस गाड़ियों की है, तो हमने कहा था बच्चों की गाड़ियों वाली जहाँ स्पेस है ना आप लोग वहाँ पर जाके खेलेंगे, क्योंकि वैसे तो आप लोग बाहर खेल नहीं सकते, इसीलिए इनको भी हम साथ ले आए थे। अदरवाइज ब्लॉग तो जस्ट मैंने बनाया था, तो मैंने कहा बच्चों को भी साथ। अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और नीचे जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या सीन है। ये इनका स्टोर रूम था, ये जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये वो 4 ड्रेसेस है जिनकी हमने कीमत पूछी तो हमारे कानों से भाई धुएं निकले। आइए आपको फर्नीचर दिखाते हैं हम एक दफ़ा। ये ब्लैक वाला फर्नीचर था, क्योंकि इसके साथ 3 सोफे, सबसे बड़ा होता है, फिर मीडियम होता है, फिर स्मॉल होता है, क्योंकि ये सेट इस तरह बना होता है सोफे का। उसके बाद ये बेड था जो शिवन को पसंद है, ये उन्होंने कहा था 35 लाख का सेट है, और ये इम्तियाज़ मॉल, क्योंकि यार ब्रांड है, पता नहीं आप लोगों को।
तो आइए आपको भी एक दफ़ा दिखा दूँ, अगर किसी ने लेना तो काइंडली यहाँ पर ज़रूर आएँ और अपने पैसे ज़रूर यहाँ पर वेस्ट करें। अदरवाइज़ मैं तो सबसे पहले ये प्रेफर करती हूँ कि चिनोटी फर्नीचर बेस्ट है। बैठ के दिखाओ ना इस तरह बैठ। अगर इधर कोई समोसे समोसी पड़ी हो तो मैंने खा ले। ये जादू टेबल है ना। अली भाई को कोई एटीएम भेज दे, ले जाते हैं। अच्छा भी है। और ये इस तरह बंद हो जाता है, ये देखो। उबैद भाई कमाल के हैं, जो हर चीज को एक्सप्लेन करके बता रहे थे। कमाल बेस्ट, वो वाला ज्यादा प्यारा लग रहा है। किसने लेना है तो उसको कहेंगे यहाँ पे वीडियो देख के इधर आ जाए, बहुत अच्छा फर्नीचर है, इनकी प्रमोशन भी हो जाएगी। ये कितने का है सारा? तो जैसा कि आपने उस आदमी के खुद मुंह सुने कि वो 35 लाख का ये पूरा सेट देगा, जो उसके अंदर मैं कहती हूँ क्या चीज़ है भाई इतना महंगी जो दे रहा है, ठीक है ना। तो बाकी इन्होंने स्पेशल मेरा वेलकम किया, दरवाज़ा खोल के मोहित ने किया। अब हम चलते हैं अगले स्टोर की तरफ। ये भी थे यहाँ पे भी स्टोर्स भी बने हुए हैं जहाँ आपको पूरे फर्नीचर बने बनाए मिल रहे हैं। मैंने ऐसे ही कहा कि मैं आपकी प्रमोशन करूँ, जो लोग लेना चाहते हैं वो ज़रूर यहाँ पर आएँ, लेकिन ऐसा यहाँ पर रश था नहीं, लोग सिर्फ इंजॉय करने के लिए आए हुए थे। इंजॉय करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, शूट करते हैं, कुछ गर्ल्स अपना शूट के लिए भी आई हुई थी। अदरवाइज़ कोई मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई ख़रीदारी करता होगा। इससे अच्छा हालांकि हम लाहौर जाते हैं तो वहाँ पे जो हमें अच्छा लगता है, बेस्ट लगता है, वो लिबर्टी है, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें आपको एक रेंज में मिलती हैं। हालाँकि वो मॉल है और आपको एक रेंज में चीज़ें मिलती हैं, ये नहीं है कितनी एक्सपेंसिव हों। अब यहाँ से हम ज़रा सी चीज़ पूछते हैं वो ऐसे लाखों में हज़ारों में गई हुई है, तो बंदा सोच के हैरान होता है भाई चीज़ है कि क्या चीज़ है जिसके अंदर इतनी उन्होंने एक्सपेंसिव इतनी अमाउंट रखी हुई है, बस सोच के हम हैरान होते हैं। तो भाई चलते हैं, अब आपको आगे की तरफ ले चलते हैं और क्या क्या है। तो लेट्स गो, अब आपको थोड़ा सा विज़िट करवाते हैं। और एक सबसे मेन चीज़ इनकी ये थी कि इनकी जो लिफ्ट थी वो बिल्कुल बंद थी। अभी भी हम चल के ऊपर गए हैं, लिफ्ट चल ही नहीं रही थी, पता नहीं क्या इनका कोई चल रहा था, ना नीचे वाली चल रही थी ना ऊपर वाली चल रही थी, हम चल के ही ऊपर जा रहे थे और चल के ही नीचे आ रहे थे, ना इनकी दूसरी लिफ्ट चल रही थी, सिर्फ ये लिफ्ट थी जिसके ऊपर हम चल के गए। भाई इतना पैसा भी ले रहे हैं और कुछ कर भी नहीं रहे, पता नहीं इतना पैसा कहाँ जा रहा है। ठीक है ना, आवाम यहाँ पर आती है, लेती है चीज़ें, प्रोडक्ट्स ले भी रही है, तो कुछ भी नहीं हो रहा। अभी भी हम ऊपर चल के गए, कोई लिफ्ट का इंतज़ाम नहीं। और अब हम आ गए हैं सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, यहाँ पे हमें सन रेज़ दिखने को मिल रही हैं। ठीक है, सन रेज़ तो आप लोग घर में भी देखते होंगे, लेकिन यहाँ पे जो मिलते हैं ये भी एक्सपेंसिव रेज़ होती हैं। ठीक है, ये आपको कहीं भी नहीं मिल सकती। ठीक है, बाकी ये ऊपर से इसका व्यू आता है। तो आइए अब आपको पूरे मॉल का विज़िट करवा देते हैं, लेट्स गो गाइस। जाने अदा तुझे जैसा है सोचा पाया वो ही, सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं, मेरी मोहब्बत का लम्हा तुझमे ही घुसा गया।
पिया पागल या जोगी मुझको कहो तुम। हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा तेरी ही खातिर सजनों में चाहे हो जो भी भला। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना कह दो मुझे जो पिया तो बाकी हम सब लिफ्ट पे चले गए हैं क्योंकि अब हमने सबसे ग्राउंड वाले फ्लोर पे जाना था। ठीक है, हुआ ये था कि अशमल ने क्या किया, हसनैन के मुंह पे थप्पड़ मार दिया था। उसका आप रिएक्शन चेक कर सकते हैं क्या रिएक्शन था। ठीक है, यश अशमल ने बेचारे हसनैन को फिंगरप्रिंट से मारा है, उस बेचारे के मुंह पे फिंगरप्रिंट डल के। बाकी देखते हैं, अंकल आज बना रहे दे रहे थे कॉफ़ी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग बाहर से चीज़ें लें, अंदर से ना लें, क्योंकि बाहर से आपको ताज़ा चीज़ें खुद बना के मिलेंगी। ठीक है, तो अंकल बनाने लगे हैं कॉफ़ी, तो देखते हैं। अब हमने तो मिनट में कॉफ़ी देखनी है, अब हमने आज तक तो चलना नहीं है, तो देखते हैं, लेट्स गो गाइस। कॉफ़ी शॉफी तो हमारी रेडी हो चुकी है क्योंकि हम पी रहे थे कोल्ड कॉफ़ी, ये हॉट कॉफ़ी नहीं है। ठीक है ना, बाद में आप कहना कि भाई कॉफ़ी तो हॉट होती, भाई हम कोल्ड पी रहे थे। तो ये है सारे मेरे इंग्रेडिएंट्स वगैरह, इंग्रेडिएंट्स मैं अंकल ने दिखा दिए, अगर आप घर में बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। अब हम जाते हैं बाहर की तरफ। ठीक है, क्योंकि व्लॉग तो आज मैंने सारा शूट करके आपको दिखा दिया है, ये इनके बाहर का रास्ता है। ठीक है, बाहर इन्होंने स्पेशल KFC का बोर्ड लगाया, अभी आपको दिखाती सामने KFC का बोर्ड आता है। मैं कहती हूँ KFC बेटर है, ब्रांड है, जो भी है ज़बरदस्त है, लेकिन मैंने सारा व्लॉग दिखा दिया। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब।